बोरीवली पश्चिम गणपत पाटिल नगर में अप्रवासी उत्तर भारतीय एकता मंच के कार्यालय का उद्घाटन भाजपा नेता एवं अभिनेता फूल सिंह के हाथों किया गया। इस सामाजिक संस्था के कार्यालय खोलने का लक्ष्य सिर्फ यही है कि गणपत पाटिल नगर की झोपड़पट्टी में घर घर लाइट एवं पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुचारू रूप से पहुंचाई जाए। मीडिया से मुखातिब होते हुए भारतीय जनता पार्टी बिहारी फ्रंट के अध्यक्ष फूल सिंह ने बताया कि यहां पर जो भी कार्यालय खोला गया है उसमें भी पानी बिजली की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम और हमारी टीम यहीं से कार्य करेंगे ताकि यह महसूस हो कि जिनके घरों में बिजली नहीं हो वे कैसे रहते हैं। असल ये था कि अप्रवासी उत्तर भारतीय एकता मंच, चूँकि दीपावली छठ आ रहा है तो एक मिलन समारोह के हिसाब से इसको दीपावली को रखा था, लेकिन चूँकि एक यहाँ एक कार्यालय होना बहुत जरूरी है तो फिर सब लोगों ने आपस में विचार किया कि नहीं, यहाँ यहाँ बहुत सारे लोग जो जिनको कोई जरूरी होता है संस्था नहीं कर पाते, तो उसके लिए एक छोटा सा कार्यालय। सब चीज़ तो ठीक है, ये मुझे आप बताइए कि ऑफिस खोला सब ठीक है, सब लोग को जानते हैं जो बिजली सप्लाई करता है, चाहे सोलर लगा के चाहे जैसे भी हो, अपने इसमें न बिजली लगाया न पानी का मतलब है न पंखा है। हमने कहा कि जब तक मैं महसूस नहीं करूँगा, मैं कई बार महसूस किया हूँ, यही किया हूँ, लेकिन जब तक मैं महसूस नहीं करूँगा, हमारे कार्यकर्ता जिनके यहाँ बिजली तो पहुँचती है ऊँचे दामों पर पहुँचती है, जब तक वो महसूस नहीं कर रहा तब तक लड़ाई चलती है। तो जीतने की परवाह करते हैं ना हारने की, डरता वो है जिसको जीत हार समझ में आता हो। यह पूछे जाने पर कि केंद्र और राज्य दोनों जगह आपकी पार्टी है फिर भी व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है और आपको अपनी ही पार्टी के खिलाफ आंदोलन शुरू करना पड़ रहा है, उन्होंने बताया कि हमें अपनी पार्टी से आंदोलन करने में कोई एतराज नहीं है, हम अपने लोगों से अगर मांग नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। वो जो आप देखे थे अप्रवासी उत्तर भारतीय एकता मंच का, तो एक तरह से अध्यक्ष होने के नाते मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद वो टेलर था, टेल बाकी है, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रही, संस्था की कोशिश है कि जो चीज़ मुझे चाहिए उसके लिए टकराव की नीति ना हो। प्यार सर्व विस लव, हम लोगों ने सोचा भी है, हम लोग अपने आमदार के पास खासदार के पास लड़ाई तो बहुत लड़ ली, चिट्ठी से पत्री से ये करके वो करके, अब कल से दिवाली का जो उपहार जो चार पांच आदमी को देने वाले हैं, एक एक मुरझाया हुआ फूल, ये आपके लोकतंत्र में बोरीवली गणपत पाटिल में रहने वाले मुंबईकर इस दिवाली में हम तो पटाखे जलाएंगे, हम तो जलाते हैं 27 साल से, मुझे कौन रोक सकता है, आप भी जलाते हैं। केंद्र सरकार के काम काज पर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार का काम अच्छा चल रहा है लेकिन कहीं कुछ भूल हो रही हो तो हमें लड़ाई लड़ने का पूरा हक है, इसके लिए हम किसी भी बात से डरते नहीं हैं। मैं पार्टी में हूँ, मैं मुंबई प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ बिहार सेल का, और मुझे ये लगता है, मैंने अपने बड़े नेता को कहा कि अगर आपने मुझे अध्यक्ष बनाया है, अभी हमारी यहाँ सरकार है, अभी हमारी दिल्ली में सरकार है और मैं समाज का काम कर नहीं पा रहा हूँ, फिर मुझे उस अध्यक्ष पद पर बने रहने का मौलिक कोई अधिकार नहीं बनता अध्यक्ष पद। कार्यक्रम में कई फिल्मी कलाकार मौजूद थे जिन्होंने अपनी गीत संगीत से उपस्थित लोगों का भरपूर मनोरंजन किया।
सब लोग सुने होंगे। तो अब बहना ने अगर मुझे इतनी बड़ी कलाकारा में इस छोटे से कलाकार को, बड़े भाई यानी कि छोटे कलाकार को अगर माइक्रोफोन दिया है तो मेरा भी हक बनता है कि मैं आपका मनोरंजन कर लूं। अतः उल्ला खान साहब का ये गीत थाम रे थाम कि लाल जोड़े में चल दी मुझे छोड़ कर मेरे बचपन जवानी से मोड़ कर किलर तो सकता था से प्यार का सहारा ना मिला सहारा ना मिला ऐसा बिछड़ा वो मुझे वो दोबारा ना मिला वो दर्द से प्यार का सहारा ना मिला सहारा ना मिला ऐसा बिछड़ा वो मुझे वो दोबारा ना मिला वो दर्द से प्यार का मुझसे बुलाए न गए बुलाए न गए मेरी पलकों से आंसू छुपाए न गए साथ तू मुझसे बुलाए न गए बुलाए न गए मेरी पलकों से आंसू छुपाए न गए गुजर दी से अब देखिए ये सबको मालूम है ये डांसर नहीं है लेकिन ये दीवानगी है साथ तू मुझसे भुलाए न गए भुलाए न गए मेरी पलकों से आंसू छुपाए न गए साथ तू मुझसे भुलाए न गए भुलाए न गए मेरी पलकों से आंसू छुपाए न गए बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला सहारा न मिला ऐसा बिछड़ा वो मुझे दोबारा न मिला ऐसा बिछड़ा वो मुझे दोबारा न मिला ऐसा बिछड़ा वो मुझे दोबारा न समाज में आपके समाज में रहने वाला दिवाली में कितना दिन बचा है ये बताओ कितना दिन चार दिन मतलब आज से चार दिन ये चार दिन की एक दबा मैं देके जा रहा हूँ गणपत पाटिल नगर के वासियों सारे जो हमारे मंच पे उनके लिए भी और मेरे लिए तो है ही आप तमाम लोगों के लिए कि ये चार दिन घर में अगर माँ हो तो माँ का पैर छू के निकलना माँ अगर गांव में है परदेश में है अगर तस्वीर तुम्हारे मोबाइल में है क्योंकि आज मोबाइल का जमाना हर बेटे के पास मोबाइल है माँ की तस्वीर है तो ये चार दिन घर से निकलना भले पटाखे खरीदने क्यों नहीं निकलना माँ की तस्वीर को प्रणाम करके निकलना और अगर माँ छोड़ के चली गई हो तो मेरा मानना है सर का कि दुनिया का 80 साल का बेटा भी मोरे साहब क्यों ना हो अगर 10 सेकंड के लिए अपनी नजरें बंद करेगा तो उसको अपनी माँ नजर आती है चाहे कितना बड़ा भी क्यों ना हो ये चार दिन का दवा है याद रखना
शिवाली तक ये खाना घर से निकलते वक्त चाहे नौकरी करने जाओ, रिक्शा चलाने जाओ, व्यवसाय करने जाओ, कुछ भी करने जाओ, पढ़ने जाओ, कहीं भी जाओ, ये चार दिन सुबह में ये दवा खा के निकलना, फिर वापस आना, तो दवा खाना, फिर से प्रणाम करके अपने कामों में लगना।